मोना एक म्यूजियम में काम करने आई थी। उसका काम हर सुबह म्यूजियम को साफ करना और उसे आम लोगों के लिए खोलना था, और शाम में सभी के चले जाने के बाद म्यूजियम को फिर पहले की ही तरह साफ करके बंद कर देना था। ये म्यूजियम तो वैसे काफी छोटा था और शहर से काफी दूर भी, पर अपने जमाने के जाने माने मूर्तिकार धानी मूर्तिकार जो पत्थर की मूर्ति बनाते थे, उनकी वजह से कुछ लोग आज भी चले आते थे। धानी मूर्तिकार का तो देहांत हो चुका था, इसलिए अब उनका बेटा सनी मूर्तिकार नई मूर्ति बनाता था और लोगों के लिए रखता था। एक रात सभी के जाने के बाद मोना उस म्यूजियम को बंद कर रही थी। जैसे ही उसने लाइट का स्विच ऑफ किया, अचानक उसके सामने एक डरावनी परछाई आकर खड़ी हो गई। उसने डरते हुए फिर से तुरंत लाइट ऑन किया, पर सामने कोई नहीं था। उसने आसपास नजर घुमाकर देखा, पर उसे आसपास कोई नहीं दिखाई दिया। कुछ तो नहीं है, पर कोई तो था। शायद मेरा भ्रम होगा। मोना फिर से लाइट बंद करती है। वो जैसे ही लाइट बंद करती है, वो इधर उधर देखने लगी। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर एक अजीब सी डरावनी शांति गूंज रही थी। वो अभी बाहर निकलने को ही थी कि तभी ठीक उसके ऊपर से अचानक से एक साया ठीक उसके चेहरे के सामने आया। वो काफी डर गई और चीखते हुए वहीं बेहोश होकर गिर गई। सुबह हो जाने पर सनी मूर्तिकार वहां पहुंचा और मोना को बेहोश पड़ा देख वो चौंक गया। उसने पानी की कुछ बूंदे मोना के चेहरे पर छींटी। मोना को होश आ गया। वो होश में आते ही चीखने लगी, भूत भूत बचाओ बचाओ। अरे मैं हूँ सनी, सनी होश में आओ। साहब साहब आप यहाँ भूत है, साहब यहाँ भूत है। ये सुनते ही सनी चौंक गया। अरे मोना कोई भूत भूत नहीं होता, तुम्हारा भ्रम होगा। वैसे भी तुम कितना काम करती हो, थक गई होगी, जाओ आज तुम आराम कर लो, कल से आना। पर मैंने अपनी आंखों से। तभी सनी ने मोना को बीच में रोकते हुए बोला, मैं यहाँ इतने साल से रह रहा हूँ, मुझे कोई भूत भूत दिखा नहीं, और तुम्हें आए कुछ दिन ही हुए और भूत दिखने लगे। जाओ घर जाओ, थक गई होगी, कल आना। मोना चुपचाप वहाँ से चली गई। उसके जाते ही वहाँ शहर से एक आदमी पहुंचा। उसे देखते ही सनी ने कहा, सेठ जी आप, बड़ी खुशी हुई कि आप आए, आपने तो आना जाना ही कम कर दिया। तो क्या करूं, तुम्हारे पापा की बनाई मूर्तियां आज भी लोग एग्जीबिशन में देखने आते हैं, पर जब से तुम्हारी बनाई मूर्ति आनी शुरू हुई लोगों को पसंद ही नहीं आती। पता नहीं कैसी मूर्ति बनाते हो तुम, इसलिए ये लो तुम्हारे हिसाब के कुछ पैसे, और अब यहाँ से एक भी मूर्ति नहीं जाएंगी। ऐसा मत करिए सेठ जी, पापा के देहांत के बाद वैसे ही घर की हालत खस्ता है। नहीं, मैंने तुम्हें बहुत मौका दिया, कितनी बार तुम्हें बोला कि अपने पापा की तरह मूर्ति बनाओ। वो बनाते थे तो लगता था कि जैसे अभी ये मूर्ति बोल पड़ेगी, पर तुम्हारी मूर्तियां क्या ही बोलूं, इसलिए आज से तुम्हारे साथ कोई कारोबार नहीं। सिर जी मैंने बहुत मेहनत कर एक मूर्ति बनाई है, एक बार उसे देख लें फिर आपको जो बोलना है बोलें। मैंने एक शानदार लकड़हारे की मूर्ति बनाई है, आइए इधर आकर देखिए।
मस्तनी सेठ को एक मूर्ति के पास लेकर जाता है। अद्भुत, शानदार, ये क्या चीज बना दी तुमने सनी, अपने पापा से भी बेहतर लग रहा है, जैसे अभी बोल पड़ेगी मैं तुम्हें इसके मुंह मांगे पैसे दूंगा। सनी सेठ जी, सब आपकी मेहरबानी का नतीजा है, ये लो कुछ और पैसे रखो, मेरे आदमी आएंगे तो कुछ और पैसे देकर इसे लेकर चले जाएंगे। जी सेठ जी। सेठ जी और सनी जैसे ही उस मूर्ति से हटे, तभी एक साया ठीक उसके पीछे पीछे चलने लगा और एक अजीब सी आवाज गूंजी। सेठ ने अचानक से डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। क्या हुआ सेठ जी, तुम्हें कुछ आभास हुआ? कैसा आभास मतलब? अरे कुछ नहीं, ठीक है मैं भी जाता हूँ। हाँ सेठ जी, अगली बार आप आइए, मैं आपको एक खूबसूरत अप्सरा की मूर्ति बना कर दूंगा। ठीक है। सेठ वहां से चला गया। सनी पैसे को देख देख कर उन्हें चूमता और बहुत खुश होता। चलो अब घर चलता हूँ, ये पैसे मेरी बीवी देखेगी तो खुश हो जाएगी। सनी अपना म्यूजियम बंद कर वहां से चला गया। उसके जाते ही म्यूजियम से अजीब सी चीखें गूंजने लगी। इधर सनी कुछ समय में अपने घर पहुंच गया और उसने वो सारे पैसे अपनी बीवी को दिए। इतने पैसे देखते ही वो काफी खुश हो गई। देखा जी, मैं कह रही थी ना, हम लोगों को बस थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, फिर तो पैसे ही पैसे बरसेंगे। ये सब तुम्हारे दिमाग का कमाल है। सनी ने अपनी बीवी को गले से लगा लिया। अगले दिन मोना सुबह सुबह ही म्यूजियम ओपन करने आई। उसने जैसे ही म्यूजियम को खोल अपने कदम अंदर रखे, वो अंदर कुछ देखकर चौंक गई और डर के मारे चीखने लगी। वो भागने के लिए जैसे ही मुड़ी, तभी पीछे से किसी ने मोना की गर्दन को पकड़ लिया और उसे दीवार पर दे मारा। मोना की चीख पूरे म्यूजियम में गूंज गई। मोना वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ दिन बीत जाने के बाद सेठ जी फिर उस म्यूजियम में पहुंचे। सेठ जी आप? हाँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं। जी अच्छा किया सेठ जी। अच्छा तुमने एक अप्सरा जैसी मूर्ति की बात की थी, सोचा एक बार तेरा वो काम भी देख लूं, फिर दोनों मूर्ति साथ ही ले जाऊंगा। हाँ सेठ जी बिल्कुल तैयार है, आइए आकर देखिए। तभी सनी उन्हें एक मूर्ति के पास लेकर जाता है। वाह क्या चीज बनाई है तुमने सनी, मैं अभी अपने आदमी को बुलाकर ये मूर्ति शहर ले जाता हूँ, ये लो पैसे पकड़ो। जी सेठ जी बहुत बहुत धन्यवाद। शाम तक कुछ आदमी वहां एक गाड़ी लेकर पहुंच गए। सभी ने मिलकर जैसे तैसे दोनों मूर्ति को बाहर निकाला। बाहर निकालते ही उन दोनों मूर्तियों से हंसने की आवाजें आने लगी। सभी काफी डर गए और इधर उधर भागने लगे। सनी भी काफी डर गया और वहां से भागने लगा। तभी एक चुड़ैल उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई और उसने सनी की गर्दन को पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। तभी सनी की बीवी भी वहां आ गई। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, ये मूर्तियां सिर्फ इसी कमरे में रहेंगी, बाहर मत निकालिएगा, इनके बाहर निकलते ही इनकी आत्माएं ताकतवर हो जाएंगी, बाहर आ जाने पर मेरी डायन वाली शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। अरे पैसों के लालच में मैंने इसे सेठ जी को ले जाने को दे दिया, अब कुछ करो, बचाओ मुझे। तभी एक शैतान सनी की बीवी के सामने आकर खड़ा हो गया। पहले खुद को तो ये बचा ले। तभी उस शैतान ने उसकी बीवी का सर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर सेठ काफी डर गया। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। आपको कुछ नहीं होगा सेठ जी, पर इन दोनों का मरना बहुत जरूरी है। मैं यहीं पास के जंगल से लकड़ी ला रहा था, तभी इन दोनों मियां बीवी ने
मेरे सिर पर मार कर मुझे बेहोश कर दिया और मुझे जिंदा ही एक पत्थर की मूर्ति के ढांचे में डाल दिया। मैं तड़प तड़प कर मर गया। क्या मेरे साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही किया? मैं इसके यहाँ काम करती थी और इसने मुझे ही तड़पा तड़पा कर मार दिया। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। तभी उस चुड़ैल ने सनी के दो टुकड़े कर दिए। सनी के मरते ही चुड़ैल और शैतान भी वहां से गायब हो गए। सेठ भी अपने शहर वापस चला गया। प्रतिज्ञा और प्रेम की नई नई शादी हुई थी। इस शादी से दोनों ही बहुत खुश थे। प्रेम उसका बहुत ख्याल रखता था और प्रतिज्ञा भी अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही थी। दरअसल प्रतिज्ञा और प्रेम एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ पार्टी में मिले थे और उस एक मुलाकात में ही प्रतिज्ञा प्रेम को इतनी भा गई थी कि दूसरे दिन वो अपने माँ पापा के साथ उसके घर पहुंच गया था उसका रिश्ता मांगने। आईटी एक्सपर्ट प्रेम का रिश्ता ठुकराना बेवकूफी होती, इसीलिए सिर्फ एक शर्त के साथ घर वालों ने हामी भर दी और शर्त रखी थी प्रतिज्ञा की छोटी बहन अनुज्ञा ने। मेरी दीदी को हर वक्त लाइट और फ्रेश हवा की ही आदत है, तो आप दीदी को शीश महल ही लेकर जाना। जी जरूर, धन्यवाद आपका जो आपने मुझे इतनी इम्पोर्टेंट टिप दे दी। शादी के कुछ दिन बाद वो प्रतिज्ञा को लेकर मुंबई शहर के अपने एक नए फ्लैट में आ गया था। 20वीं मंजिल पर बने इस फ्लैट में चारों तरफ कांच लगे थे, बाहर से ग्रिल था और अंदर से डार्क शेड के पर्दे। कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते, पर एक दिन प्रेम के ऑफिस से आने के वक्त प्रतिज्ञा चाय लेकर बालकनी में गई और उसके आने का इंतजार करने लगी। आसपास की बिल्डिंग की बालकनी से औरतों को एक दूसरे से बात करते देखकर उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी अंदर से कुछ आवाज आई। उसने अंदर जाकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे कोई आवाज आती। फिर उसका ध्यान ग्लास विंडो पर गया। वहां उसे पर्दे के उस पार से ऐसा प्रतीत हुआ कि कांच पर किसी की बड़ी बड़ी दो हथेलियां हैं। ये हथेलियां किसकी हैं? कोई चोर है क्या? वो हथेलियां सरकने लगती हैं। कोई उन हाथों के सहारे से कांच पर चल रहा होता है। प्रतिज्ञा के ऊपर डर हावी होने लगता है। वो अपना फोन ढूंढने लगती है। उसी वक्त थपथपाने की आवाज आने लगती है। अब वो हथेलियां कांच को थपथपा रही थी। प्रतिज्ञा बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, किसे बुलाए। एक तो वो पहली बार इस तरह अकेले रहने आई थी। तभी एक आवाज आती है। खोलो, जल्दी खोलो। कौन है? मैं हूँ, खोलो। कौन मैं? बेबी खोलो, मैं हूँ प्रेम। वो ध्यान से सुनती है तो समझ पाती है कि आवाज तो दरवाजे से आ रही है। वो दौड़कर दरवाजा खोलती है। सामने प्रेम को पाकर वो चैन की सांस लेती है। प्रेम अंदर आते हुए दरवाजा लगाता है। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? प्रतिज्ञा अपनी आप बीती सुनाती है। प्रेम जाकर उस विंडो को देखता है। वहां उसे कुछ नजर नहीं आता। वो विंडो खोल कर देखता है। नीचे कोई छज्जा भी नहीं है जिस पर कोई खड़ा हो सके। बेबी कहीं ये तुम्हारा वहम तो नहीं है? मैंने अपनी आंखों से देखा है यार। तभी उस खुले विंडो से एक लाल रंग का दुपट्टा उड़ता हुआ आता है और प्रतिज्ञा के चेहरे को ढक देता है। वो जल्दी से उस दुपट्टे को हटाने की कोशिश करती है, पर वो बहुत बुरे तरीके से उसमें उलझ जाती है। प्रेम उस दुपट्टे को देखकर शॉक्ड हो जाता है। ये दुपट्टा, ये तो वही दुपट्टा है। वही दुपट्टा मतलब?
तुम जानते हो क्या? प्रेम मेरी मदद करो इसे हटाने में। प्रेम निशब्द सा खड़ा था। खुद को दुपट्टे से निकालते हुए प्रतिज्ञा ने बोला, प्रेम प्रेम क्या हुआ? तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? तुम इस दुपट्टे को देखकर ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे तुम इसे पहचानते हो? प्रेम की तरफ से उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वहां एक सन्नाटा पसर गया। बाहर शाम के उजाले पर रात हावी होने लगी थी। गर्मी की इस शाम में मौसम ने अपना रुख बदल लिया था। आंधी आई और वो भी इतनी जोर से कि खिड़की मात्र से घुसकर प्रेम और प्रतिज्ञा के घरौंदे के अंदर सजे सभी सामान गिराने और तोड़ने लगी। पर्दे उड़ने लगे, दीवार पर टंगी फोटोज गिरने लगी। एक जोर के धमाके के साथ टीवी भी गिर पड़ा। प्रतिज्ञा खिड़की के पास पहुंच तो गई थी पर बंद नहीं कर पा रही थी। हवा का दबाव बहुत ज्यादा था और प्रेम वो तो अपनी जगह पर मूरत बना खड़ा था। प्रतिज्ञा बार बार आवाज दिए जा रही थी, प्रेम प्रेम यार हद करते हो, वहां से हिलो तो, देखो सब हमारी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है और आप हो कि जड़ होकर खड़े हो गए हो। तभी सनसनाती हवा के झोंके के साथ एक साया खिड़की के अंदर प्रवेश करता है। वो धीरे धीरे करके एक लड़की का रूप ले लेता है। प्रेम और सकपका जाता है, प्रतिज्ञा भी बहुत डर जाती है। वो दौड़कर प्रेम के पास जाती है। पहचाना मुझे अनुपमा। अब चौंकने की बारी प्रतिज्ञा की थी। उसने प्रेम को देखा, वो थर थर कांप रहा था। कौन कौन अनुपमा? मुझे तो लगा था तुम पहचानोगे भी नहीं। प्रतिज्ञा प्रेम को जोर से झकझोरते हुए पूछती है, कौन कौन है ये? वो साया घूर कर देखता है प्रतिज्ञा को। उसका हाथ प्रेम के हाथ से छूट जाता है और वो दूर जाकर जमीन पर गिर जाती है। मैं प्रेम का पास हूँ पर मैं आज भी उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। वो आगे जाकर प्रतिज्ञा को पकड़ने की कोशिश करती है। प्रतिज्ञा डर के मारे पीछे पीछे सरकती जाती है। सफलता पाने के लिए उसने मुझे अपनी सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल किया। 3 साल लिविंग में रहने के बाद प्रमोशन के लिए इसने मुझे अपने बॉस के सामने भरोस दिया। जब मैंने अपोज किया तो पहले तो ऐसे एक्ट किया जैसे इससे बहुत बड़ी गलती हो गई हो, और फिर एक दिन इसने मुझे क्रूज पर ले जाकर शराब पिलाई और मेरा गला घोटा। उसके बाद मुझ में पत्थर बांधकर मुझे मेटल की जाली से पैक करके इसने इतने परफेक्टली मेरा मर्डर प्लान किया कि आज तक मैं पुलिस और लोगों की नजरों में लापता हूँ। तुम उसे क्या चाहती हो? अपनी मौत का बदला। इतना कहकर वो साया प्रतिज्ञा के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसी की चुन्नी का फंदा बनाकर पंखे से लटक जाता है। प्रेम रोकने की कोशिश करता है पर उस साये से प्रतिज्ञा को नहीं बचा पाता है। वो साया प्रतिज्ञा के शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाता है। प्रेम जल्दी से प्रतिज्ञा को नीचे उतारता है पर तब तक वो मर चुकी होती है। तुमने मेरे किए की सजा इसे क्यों दी? तुम्हारे साथ मैं नहीं रह पाई तो किसी और को तुम्हारे साथ कैसे रहने दूंगी? इसमें इसकी क्या गलती थी? तुमने वो कहावत नहीं सुनी, गेहूं के साथ खून को भी पिसना पड़ता है? वो साया हंसते हुए उसी खिड़की से बाहर चला जाता है और प्रेम वहीं बैठकर रोता रहता है। क्रश घूर घूर कर अमित को देख रहा था।
क्लास में अपनी बेंच पर बैठकर अमित बड़े ध्यान से मगन होकर अपनी कॉपी पर कुछ अलग अलग कलाकृतियां बना रहा था। उसे ये बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अमित, अमित। हाँ बोल। अमित पीछे देखना। अमित पलट कर पीछे देखता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या हुआ, क्या है मेरे पीछे? तुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा क्या? क्रश तू पागल हो गया क्या? क्रश कुछ समझ नहीं पा रहा था। दरअसल क्रश को जो दिख रहा था वो कोई और नहीं देख सकता था, क्योंकि उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे उसकी आंखें इंसानों को उनके जीवन में तो देख ही सकती थी, साथ ही मरने के बाद भी उन्हें देख सकती थी। अमित के पीछे एक लड़की खड़ी थी, वो एक आत्मा थी। स्कूल ड्रेस में थी वो, पर जहां तहां उसकी ड्रेस फटी हुई थी और खून बह रहा था, बाल खुले हुए थे बिखरे बिखरे से। अब वो अमित की जगह क्रश को घूर रही थी। क्रश उसे देखकर डर रहा था, पर क्लास के बाकी बच्चे अपनी नॉर्मल रूटीन में लगे हुए थे। उन्हें तो वो आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी। क्रश को डरता देख अमित ने पूछा, क्रश तू ठीक तो है ना? तबीयत खराब है क्या? हाँ मैं ठीक हूं। वो अपना पसीना पोंछते पोंछते क्लास से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे आत्मा भी निकल जाती है। वो जाकर पहले खाली क्लास में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है, पर वो आत्मा भी अचानक वहां प्रकट हो जाती है। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर बहुत तेजी से छत की तरफ भागता है। वो आत्मा उसका पीछा करती है। भागते भागते वो छत पर पहुंच जाता है। पीछे पलट कर देखता है तो वहां कोई नहीं दिखाई देता, पर जैसे ही वापस आके मुड़ता है तो आत्मा वहीं खड़ी रहती है। कृष्ण जोर से डर कर चिल्लाता है, तुम मुझे देख सकते हो? हाँ, पर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तो मेरी मदद भी कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। उसके डर से पीछे पीछे सरकते हुए क्रश जमीन पर गिर जाता है और वहीं बैठ जाता है। वह आत्मा उसके पास आती है और उसके पास बैठ जाती है। तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? नहीं, और मैं पहचानना भी नहीं चाहता। अमित तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ। उसके गले में एक ताबीज है, क्या वो तुम मुझे लाकर दे सकते हो? तुम मुझे दिख रही हो पर भाग्यों को नहीं दिख रही। इसका मतलब है तुम एक आत्मा हो, तो तुम्हें ताबीज की क्या जरूरत पड़ गई? तुम जैसों से बचने के लिए तो जिंदा इंसान ताबीज पहनते हैं। हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, पर ये जरूरी तो नहीं कि सारी आत्माएं बुरी और ताकतवर हो। मतलब तुम कहना चाह रही हो कि तुम बुरी नहीं हो और ना ही तुम ताकतवर हो? हाँ। तो मुझे इतनी देर से डरा क्यों रही थी? मैं कहाँ डरा रही थी, तुम मुझे देख सकते थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास तुमसे बात करने आ रही थी। तुम कौन हो, तुम उससे चाहती क्या आखिर? अमित के दादाजी बहुत बड़े तांत्रिक हैं। अपने जीवन में बहुत सी बुरी आत्माओं का सर्वनाश किया था, पर कुछ साल पहले एक बुरी आत्मा से लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई, और मरते मरते उसके दादाजी ने उसकी सुरक्षा ताबीज घर में ही कहीं छुपा दिया था, जो अब अमित के गले में है। उसके बाद
उस आत्मा ने अमित को अपना निशाना बनाना चाहा, पर उस सुरक्षा ताबीज की वजह से वह बच गया। गुस्से में आकर उस बुरी आत्मा ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे मार दिया और अब मुझसे ताबीज लाने को कहा है, वरना वो स्कूल के बाकी बच्चों को भी मार डालेगा। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा कर लूं? स्कूल के पीछे झांक कर देखो। कृष्णा झांक कर देखता है तो वहाँ एक बहुत ही डरावनी सी चुड़ैल उसे दिखाई देती है। वो हुकारते हुए इधर उधर भटक रही होती है। वो अंदर नहीं आ पा रही क्या? स्कूल को अमित के दादाजी ने ही प्रिंसिपल के कहने पर बांध दिया था, इसलिए वो दुष्ट आत्मा अंदर नहीं आ पाएगी। तभी पीछे से कृष को ढूंढते हुए अमित वहां आ जाता है। कृष उसे सारी बात बताता है। अमित भी छत से नीचे झांक कर उस चुड़ैल को देखता है। अगर मेरे दादाजी इसकी वजह से मरे हैं तो इससे हमारा जीत पाना मुश्किल है, पर हम प्लान बनाकर इसका सफाया कर सकते हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक कृष ताबीज लेकर उस चुड़ैल के पास जाता है। वो कृष के हाथ में ताबीज देखकर पागल होने लगती है। तभी ऊपर से उसी स्कूल के आंगन में बने कुएं का पवित्र जल अभिमंत्रित करके अमित उस बुरी आत्मा पर फेंक देता है और कृष उस ताबीज को जैसे ही उस बुरी आत्मा से सटाता है वैसे ही वो चुड़ैल धुआं बनकर हवा में उड़ जाती है। अमित कृष का हाथ पकड़ लेता है और उसकी शक्ति के माध्यम से मुड़कर आत्मा की तरफ देखता है। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी जान गई। हो सकता है मेरी जिंदगी इतनी ही हो, पर मुझे खुशी है कि तुम्हारी और कृष की मदद से स्कूल के बाकी बच्चों की जान बच गई। मैंने पहले तुम्हारा भरोसा नहीं किया, उसके लिए मुझे भी माफ कर दो। तुम लोग अपना ख्याल रखना और तुम दोनों अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए ही करना। इतना कहकर वो आत्मा भी हवा में गायब हो गई।